जन्माष्टमी स्पेशल में आज हम बनाएंगे सेब की खीर। और सेब की खीर बनाने के लिए सेब हमने काट लिए हैं और बीज जो है इसका निकाल दिया है। इसको हमने छिलके के साथ ही इस्तेमाल करना है क्योंकि इन छिलकों में बहुत सारा फाइबर होता है। और बादाम हमने लिए हैं, काजू लिए हैं और नारियल जो अभी हमने खुरच कर इसका बुरादा बनाना है। तो सामग्री हमारी लगभग रेडी है। इसे थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं सेबों को और उसके बाद हम इसे देसी घी में पकाएंगे। कढ़ाई में मैंने देसी घी डाल दिया है और अब ये कसा हुआ सेब जो है इसके अंदर डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इसे कच्चा कच्चा भी खाया जा सकता है और अगर आप ज़्यादा पका कर खाना चाहें तो उसे पकाया जा सकता है। ये थोड़ा थोड़ा सा पक गया है। अब इसमें हम दूध मिलाएंगे और एक उबाल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इसे चलाते रहेंगे। मीठे के लिए आप इस पर मीठा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मीठे का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं यहाँ खोए का इस्तेमाल करूँगी जो इसके स्वाद में मीठापन भी लाएगा और इसे गाढ़ा भी करेगा। तो मीठे की जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खोया अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो आप इसमें चीनी या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मिलाएंगे हम बादाम, काजू और नारियल का बुरादा। व्रत में ये खाया जा सकता है, खाने में भी स्वादिष्ट है और पौष्टिक भी ये होता है। तो जन्माष्टमी स्पेशल में आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिए।